जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के इस क्लास में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस प्रोडक्शन के अचीवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय विश्व का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे विश्व में 2.92 मिलियन के आपके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों शामिल है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 का डेटा रिलीज करते हुए कहा है कि ये पहली बार हो रहा है कि रक्षा मंत्रालय डिफेंस प्रोडक्शन में 1 लाख करोड़ रुपीज का आपका डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू को अब पार कर गया है। यानी कि ये पहली बार है कि डिफेंस प्रोडक्शन में हमने 1 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन को किया है, जो कि काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन है। अगर हम एग्जैक्ट प्राइस को देखें तो ये है 1,06,800 करोड़, और लगातार ये आपका जो हमारा वैल्यू है डिफेंस प्रोडक्शन से वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक इसमें प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज के डेटा को इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे ही उसको इंक्लूड किया जाएगा तो ये और भी आपका जंप कर ले जाएगा। अभी तो सिर्फ जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है उन्होंने ही अकेले मिलकर आपका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन किया हुआ है। प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहां पर हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के डिफरेंट डिफरेंट जो हथियार हैं उनसे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब टोटल 1 लाख करोड़ रुपीज की वैल्यू का जो है भारत में आपका प्रोडक्शन किया गया है। इसी के साथ अगर हम पिछले बार की तुलना करें 12% ज़्यादा हमने इसमें ग्रोथ आपकी ली है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में ये आपकी कॉस्ट 95,000 करोड़ रुपीज़ की थी, अब ये 12% बढ़कर 1,06,800 करोड़ रुपए की प्राइस हो गई है। हमारा जो भारत सरकार है वो चैलेंजेस को हटाने के लिए और एक फेयर कंपटीशन को लाने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन को भारत में प्रमोट कर रहा है और डिफेंस इंडस्ट्रीज को उनके एसोसिएशन के साथ आपका क्रमबद्ध करता जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने MSME और स्टार्टअप्स जैसे जितने भी पॉलिसीज हैं उनको चलाया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अन्य तमाम, जिससे कि इसको आपका काफ़ी बूस्टअप मिला है। वहीं पर पिछले 7-8 सालों का अगर हम डेटा देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन के लाइसेंस में 200% की इंक्रीज को देखा गया है, जो कि दिखाता है कि जो कि भारत की आपकी एमएसएमई सेक्टर्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, छोटी हों या फिर बड़ी हों, उनका कीन इंटरेस्ट डिफेंस इंडस्ट्रीज में है और वो पूरी तरीके से अपनी संलग्नता डिफेंस प्रोडक्शन में दिखाई दे रही हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4th पॉजिटिव इंडाइजेशन की लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने 928 आइटम्स को बैन करने का प्रस्ताव रखा है और इनकी टोटल आपकी जो कॉस्ट है वो लगभग 715 करोड़ की थी। इससे पहले 2021-22 और 2022 के मार्च अगस्त में 3rd और 4th आपके हम कह सकते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लिस्ट आपकी जारी की गई थी। इस बार फिर से इसकी लिस्ट आपकी जारी की गई है। ये सभी प्रोसेस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है। मेक इन इंडिया की शुरुआत सितंबर 2014 में भारत सरकार ने आपकी की थी, जिनका मेन एम यही था कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, यानी कि FDI हम अट्रैक्ट करें। इसलिए इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम की जिम्मेदारी किसको दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड को दी गई है। इसके तहत आपका ये काम होता है और भारत एक शाइन इंडिया, न्यू इंडिया कैसे बन सके, इस पर जो है ग्लोबल पार्टिसिपेशन हो सके, इस पर आपका जोर दिया जा रहा है। और अगर हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोडक्शन को देखें तो ये DAP 2020 में आपका लॉन्च किया गया था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को आपका इनिशिएट किया गया था, जिससे कि हम ईज ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्विजिशन कर सकें और हमारी आर्म फोर्सेस को 2015-16 के बाद से ही इमरजेंसी पावर दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर खुद आर्म्स को आपका प्रोक्योर कर पाएँ और जिससे कि हमारी बढ़त भी बन सके। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा MSME सेक्टर्स को आपका बल दिया गया है, क्योंकि अगर वो मजबूत होंगी तभी हमारा देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने देखा कि डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपीज़
के मार्क को पहली बार आपका पार कर गया है, जो कि काफी अच्छी बात है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ये आगे और भी बढ़ेगा क्योंकि अब इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी अपना इंटरेस्ट शो करने लगी हैं। ये टॉपिक आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़कर जरूर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।